रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अंतिम दिन की सुनवाई चल रही है। बुधवार सुनवाई के शुरुआत से ही सर्वोच्च अदालत में तीखी बहस जारी है। बुधवार को जब हिंदू महासभा की ओर से दलील देनी शुरू हुई तो अदालत में बहस छिड़ गई। हिंदू महासभा के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किताब दिए जाने पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने आपत्ति जताई। इस दौरान उन्होंने अदालत में एक नक्शा भी फाड़ डाला। हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने जब अदालत में एक किताब को रखने की कोशिश की तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने आपत्ति जताई और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो इनके सवालों का जवाब नहीं देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप जवाब मत देना। दरअसल हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर पूर्व IPS किशोर कुणाल की किताब बेंच को दी थी। इस पर विकास सिंह ने कहा कि मैं किताब पर अपना जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एक नक्शा दिखाना चाहता हूं। हालांकि राजीव धवन ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये किताब का हिस्सा है, इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। इतना कहते ही राजीव धवन ने उस नक्शे को फाड़ दिया, 5 टुकड़े कर दिए। हिंदू महासभा के वकील ने इस दौरान बुकनन और थ्रिलर की किताबों का हवाला दिया। गुस्से में राजीव धवन ने कहा कि आपने कोर्ट का मजाक बना रखा है। जवाब में विकास सिंह ने भी कहा कि मजाक तो आप बना रहे। इसके अलावा विकास सिंह ने ऑक्सफोर्ड की किताब का हवाला दिया और जन्म स्थान की पुष्टि की। विकास सिंह ने कहा कि बाबर उदार था लेकिन औरंगजेब कट्टर शासक। बाबरनामा में ऐसी किसी बात की जिक्र नहीं है। वकीलों की तीखी बहस के बीच चीफ जस्टिस खफा हुए। CJI रंजन गोगोई ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि हमारी तरफ से दोनों ओर से बहस पूरी हो चुकी है। हम सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि कोई कुछ कहना चाहता है तो कह दे, हम अभी उठकर जा भी सकते हैं। संजय शर्मा के साथ योगिता।